कॉन्फिडेंस जो है हम सब आपस में महिलाओं से लड़कियों से द फीमेल पॉपुलेंस का स्टूडेंट सो दैट हैंड होल्डिंग इज द इंडेवर ऑफ ये पराशक्ति द एग्जिस्टेंस एंड द फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टेम्स इज ऑल अबाउट दैट आई थिंक वी शुड हैव अ लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग फॉर वुमेन मैं ये बात मानती हूँ कि देर इज अ वेरी इनविजिबल क्लास सीलिंग विच इज वेरी सेक्सुअल इन नेचर एंड मेरे एक फ्रेंड है जो प्रोफेसर है जैसे प्रोफेसर साहब है वो एक इकोलॉजिस्ट है वेरी इवॉल्व एक्सट्रीमली एकेडमिकली रिनाउंड प्रोफेसर एंड सो आई वाज हैविंग एग्जैक्टली मैं यही बात कह रही थी जो मैम ने कही थी अभी नहीं कि इट डिपेंड्स ऑन यू So, this is more informal, because I feel I'm more connected like this. And I said, okay, it goes on to me, okay, exploit Huna is in your hands, you know. She says, you don't understand. When there is a 18, 19, 20 year old girl, she thesis a professor ke paas gayi hui hai, wo wo professor kehta hai, shaam ko chai par aa jaate. To wo chai pe chali jaati. So, he will talk to her. He will not even exploit her. He will just talk to her, talk inappropriately to her. She will suffer it, if she doesn't suffer it, her thesis will hang in balance for 2 years, 3 years more. A many female professors, this is not a sexist, you know, this is not an anti-man forum. I'm just talking about facts. So, wo jab ladko ko to nahi bulati, professor shaam ko chai pe aa jaiye, aapki thesis discuss karenge. There is a very invisible line. Wo chai peene chali jati, par usse kaha jata, tum chai peene kyun gayi? Are, main 3 saal tak nahi rehti, wo chai nahi peeti to. So, these are the invisible little sexual transgressions. हम उसी स्पेस को डिफाइन कर रहे हैं एक बड़ी टैंजिबल स्पेस होती है आप किसी के काम में जाके बोलने लगो ना तो उसको बड़ा बुरा लगता है तो उसको क्या बोल काम में क्यों घुस रहा है बोलते हैं ना उसी तरह से देर इज ए एन डिफाइंड स्पेस विद पीपल कीप ट्रांसग्रेसिंग इट इज नॉट अबाउट वॉट हैपेंस इट इज द फियर ऑफ वॉट माइट यू सी इफ अ यंग गर्ल गोज टू अ प्रोड्यूसर्स ऑफिस Why should she go with this trepidation कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा या जो जो एक एहसास होता है दैट इज वेरी किलिंग फॉर आई थिंक एवरी वुमन विल आइडेंटिफाई विद दिस इवन मैन यू विल आइडेंटिफाई विद दिस व्हाट माइट हैपन व्हाई शुड वी लिव इन अ स्पेस वेयर वी फील कि वी आर स्केर्ड ऑफ गोइंग आउट ऑन आवर ओन विदाउट एन एस्कॉर्ट विदाउट अ सन विदाउट सम हैंड होल्डिंग विदाउट समबडी प्रोटेक्टिंग अस यू आर ऑल मतलब आप लोगों में ऐसा क्या है जिससे हमको ये भय भय होता है कि नहीं होता है प्लीज टेल मी इफ आई एम रॉन्ग नो नो यू टोटली राइट व्हाट आई फील इज द एजुकेशन ऑफ दिस कॉन्फिडेंस हैज टू कम फ्रॉम द मदर एंड नोबडी एल्स द मदर इज द मेन पर्सन हु विल एक्चुअली गिव दिस कॉन्फिडेंस टू अ चाइल्ड एंड बिलीव मी दिस इज गोइंग टू हेल्प